गोलू घुड़सवारी कर रहे हैं इस बार आपकी चेतक प्रतियोगिता में भी, क्या इनको फायदा रहेगा? कोई फायदा नहीं रहेगा। जो भी क्या ऐसा है कि कुछ गोलू सवार को छूट भी रहेगी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सबसे ज्यादा मेरी निगाहें तो इन्हीं पे रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और फिर से एक बार ख्वाजा मोहम्मद गौस खान जी हमारे साथ हैं और इस बार इस वीडियो में आपकी डिमांड पर हम इनके सभी घोड़ों को दिखाएंगे कि इस वक्त कौन कौन से घोड़े इनके पास हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस है। मलंग की वीडियो आपको मिलने वाली है शाम को ही। और चलिए अंदर हम आपके घोड़ों को दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से घोड़े रखे हैं आप। इधर से इधर से आ जाइए, आ जाइए, दिखाओ था तो दिखाओ था। सबसे पहला हम देख रहे हैं काला घोड़ा मलंग और इसकी काफ़ी सारी तैयारी और काफ़ी सारी परफॉर्मेंस की वीडियो लोगों ने देखी है। कितने घोड़े हैं इस समय आपके पास? इस समय हमारे पास करीबन 5-6 घोड़े हैं। ये घोड़ा भी आपने अपने खुद के मेले से खरीदा? हाँ, वो ये खरीद लिया था, घोड़ा अच्छा है वो। घोड़ा मलंग कब और कहाँ आपने खरीदा था? ये हमने खरीदा था जैसलमेर, हम गए थे रेस लड़ने, तो वहाँ हमारे एक दोस्त है भवानी सिंह भाटी और हरवंत सिंह सोडा, वो मामा उनको मैं बोलता हूँ, तो ये उन्होंने हमें घोड़ा दिया था ज़बरदस्ती। इसकी टांग बहुत सूजी थी, लोग हमसे बोले अरे भाई फंस गए ये वो, तो हमने फंस गए जो है मेरी किस्मत। लेकिन आज घोड़ा बताइए साचौर जीत के आया, जहाँ घोड़े पैदा होते हैं, जहाँ ये नस्ल जन्म है, जहाँ की ये नस्ल, वहाँ घोड़ा जीत के आया फर्स्ट। बाकी भुज में लड़ने गया था तो वहाँ हमारे साथ गलत किया गया, हमारे साथ बेईमानी की गई, लेकिन घोड़ा हमारा वहाँ भुज में भी सेकंड था। वो बताया कि वो पीछे से भर रहा है, वो काफ़ी उस पर चर्चा भी चली थी, वहाँ गलत निर्णय हमारे साथ लिया गया था, पक्षपात किया गया था वहाँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी आगे कौन कौन सी रेसों के लिए आपकी तैयारियाँ चल रही हैं घोड़े मलंग की? देखिए अभी पहले तो पक्की तैयारी थी हमारी कच्छ लड़ने की, लेकिन अभी यहाँ हमारे एक अनवार सभासद जी हैं चांदन में, उन्होंने रेस रख दी है और छोटे बच्चों की भी रेस रख दी, तो ये बच्चों में घोड़ा हमारा अलसकब है, ये अभी बच्चा है, 30 महीने का हुआ है, अच्छा चलता है, तो सोच रहे हैं इसको रेस लड़ाएं। और क्योंकि साल नया साल आ रहा है, 2 तारीख को रेस है, तो कुछ ऐसा भी है कि नया साल जब आए तो घर में थोड़ा रुकें, वरना वहाँ कच्छ जाना पड़ेगा। अभी 50-50 है, कुछ कह नहीं सकते, मन आ गया तो भेज भी दूंगा, वरना भाई नहीं अब की कच्छ रेस भेजूंगा, जैसलमेर लड़ेगा। तैयारी चल रही है? हाँ तैयारी तो चल रही है, देखते हैं जैसा होता है। असल में 10 दिन से इतना थके हुए हैं मेले की तैयारी में, सबको भाई देखना है, सबको भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो हमारे होते हुए, तो इसमें थोड़ा काफ़ी थक गए इधर वाले। एक खास सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप घोड़ों के खरीदने में या जो भी चीज़ है घोड़ों को लाने में या उनको जो चीज़ भी देखकर पसंद की जाती हो, सवाल हमारा ये है कि घोड़ों एक अच्छे घोड़े का मिलना आप उसको इत्तेफाक मानते हैं, अपना लक मानते हैं या अपनी परख मानते हैं? परख नहीं है कोई भाई बोले बोला करे भाई, मुझे तो रत्ती बराबर नहीं परख है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, जिसको होगी उसको होगी, लेकिन हमें भाई 99% घोड़े किस्मत से मिल जाते हैं, सही बता रहा हूँ। ये घोड़ा मैंने लो भाई ख़रीदा अपने मंडी से, वो वाला आइए उस तो रोको, ये घोड़ा हमने यूं ही समझ लिया मजाक में ले लिया रात में, हमारे मामू हैं इश्तियाक मामू, तो क्या ये घोड़ा तुम लोगे, तो हमने कहा हाँ दे दो, तो बोले तो खैर हमने नहीं मैं इतने पैसे दूंगा, देना हो तो दे दे, तो ये तफरी मैंने इसे ले लिया, हमने घर पे बंधा रहेगा, अपना मोटा तगड़ा घोड़ा है, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी चाल भी चलता है। 2 दिन मैंने ख़रीदने के बाद ये बंधा रहा, दूसरे दिन जब इस पर गद्दा कसवाया तो इसने इतनी अच्छी चाल दिखाई सिंधी की, अभी इसकी वीडियो भी मैं कसवाता हूँ, जब घोड़ा कसो दिखाना लो भाई को, तो भी कसवाता हूँ, आप वीडियो इसकी डालिएगा, अगर घोड़ा हल्का हल्का हो जाएगा ठीक ठाक रेस लड़ेगा भाई, सही बिल्कुल, मतलब घोड़ों का मिलना लक है? हाँ एकदम लक है, हमें कोई तमीज़ नहीं है घोड़े पोड़े में, बा हम खाली मीटर लगाए हाँ ठीक है भाई, 37-38 घोड़ा मान लिए चल रहा है, तो ये इतना तो है कि जैसे एक आध पॉइंट घोड़ा मैं बढ़ा लूँगा ऊपर वाले की दुआ से, तो वो ऐसे, बाकी फिर हम तो सिर्फ खाली रफ्तार देख के लेते हैं, कोई कहिए नसल पसल, हमारे देखिए सारे घोड़े कान जुड़े हुए हैं,
ज़्यादातर घोड़े हमारे पास कानबाज हैं सब, जबकि सिंधी फटे कान के होते हैं। बिल्कुल सारे घोड़े हमारे कानबाज हैं। हमने देखिए वहाँ से मंगवाया था कच्छ से घोड़ा, भदरी रेस में सरफराज भाई ने दिखाया तो सरफराज भाई हमने दोनों लोग ने मंगवा लिया था घोड़ा, ये भी ठीक काम करने लगा। आपके पिताजी भी काफ़ी घोड़ों के शौकीन थे, अगर मैं बात करूं जो भी आप 5 घोड़े रखे हैं, अगर वो रहते तो उनका पसंदीदा घोड़ा कौन सा रहता? अब ये तो अपनी अपनी पसंद है, उनको भी जैसे हमें सब पसंद आते उन्हें भी आते ही सब। चाल के शौकीन थे? नहीं, चाल के पापा इतना शौकीन नहीं थे, वो थोड़ा ठाटदार, घर पे घोड़े तो शुरू से रहे, ये चाल वाला जो शौक है ये हमारे अंदर घुस गया आके। सवार गोलू घुड़सवारी कर रहे हैं इस बार आपकी चेतक प्रतियोगिता में भी, क्या इनको फायदा रहेगा? कोई फायदा नहीं रहेगा। जो भी क्या ऐसा है कि कुछ गोलू सवार को छूट भी रहेगी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सबसे ज्यादा मेरी निगाहें तो इन्हीं पे रहेंगी। चलिए फिर आगे हम आपको कल दिखाएंगे, अभी एट अ टाइम ये हमारे सवार नहीं है, ये नान बच्चा पांडे जी गोंडा के हैं, उनके सवार हैं गोलू, उनका घोड़ा लेके आए। अपना मुझे घोड़े मालिक की ना शक्ल देखना है ना किसी सवार की शक्ल देखना, मेरे लिए सब बराबर है, मुझे घोड़ा देखना है, जो हमारी रेस में घोड़े सही से दौड़ेंगे वो इनाम पाएंगे, चाहे वो किसी के भी हों। अगर कोई खड़खड़े वाला घोड़ा लाया है जो खड़पखड़े पे भूसा ढोता है, उसका घोड़ा अगर सही चलेगा तो इनाम वही पाएगा। बिल्कुल यही होना भी चाहिए। कल हम आपको चेतक प्रतियोगिता की फाइनल वीडियो दिखाएंगे। यारी भाईचारा सबसे है, रेस वाले दिन मैं भाई सबको भूल जाऊंगा, उसके बाद रेस जब ख़त्म होगी तो फिर हम दोस्त यार हैं भाई, घोड़ों को मैं देखूंगा, घोड़ों से दोस्ती करूंगा भाई, जिसका घोड़ा सही उसका सही, जिसका गलत उसका गलत, चाहे वो किसी का भी हो भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।